सोमवार को विधानसभा में बजट सत्र की आखिरी बैठक की शुरुआत पूर्व सहकारिता मंत्री व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रिखीराम कौंडल के निधन पर शोकोद्गार के साथ हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोक प्रस्ताव पेश किया और सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। पूर्व सहकारिता मंत्री व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रिखीराम कौंडल के आकस्मिक निधन पर शोकोद्गार प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कहा कि स्वर्गीय रिखीराम कौंडल हंसमुख स्वभाव के थे और सभी से मेलजोल रखते थे। उन्होंने कहा कि वो झंडुता से 5 बार विधायक रहे और विधानसभा के उपाध्यक्ष रहने के साथ साथ सहकारिता राज्य मंत्री के पद पर भी रहे। 5 जनवरी 1947 को जन्मे रिखीराम कौंडल का देहांत 17 मार्च 2020 को पैतृक गांव जोल झंडुता में हुआ। उन्होंने कहा कि वे उनके साथ पांवटा में हुई भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मिले थे और नाश्ते पर भी साथ रहे। उन्होंने कहा कि वे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध होने पर अहम भूमिका निभाते थे और विकास के मामले में हमेशा सक्रिय रहे। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई। प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस भी रिखीराम कौंडल के निधन पर दुख जताती है। उन्होंने कहा कि 5 बार विधायक रहने वाले रिखीराम कौंडल सभी से संपर्क में रहते थे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करते थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से राजनीति शुरू की और फिर वे निर्दलीय चुनाव लड़े और उसके बाद भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वे रिखीराम कौंडल को श्रद्धांजलि देते हैं और शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताते हैं। भाजपा सदस्य डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि स्वर्गीय रिखीराम कौंडल विधानसभा में सक्रिय रहे और पार्टी की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने खुद को इस दुख की घड़ी में शामिल किया और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। ठाकुर रामलाल ने कहा कि स्वर्गीय रिखीराम कौंडल उनके पुराने सहयोगी थे। उन्होंने विधानसभा का पहला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था और वे उस समय युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे। उन्होंने कहा कि वे SC समुदाय के कल्याण के लिए काम करने में हमेशा तत्पर रहे। रामलाल ठाकुर ने कहा कि जिला बिलासपुर के कोटधार क्षेत्र की 15 पंचायतों को पिछड़ा घोषित करवाने में उनकी अहम भूमिका रही और इसके लिए कोटधार के लोग उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने स्वर्गीय रिखीराम कौंडल के निधन पर शोक जताया और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, झंडुता से विधायक GR कटवाल, राजेंद्र गर्ग, सुभाष ठाकुर और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भी शोकोद्गार में शरीक हुए और उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की और शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस दौरान विधानसभा सदस्यों ने कुछ देर का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।